जब आप मेकअप करती हैं तो उससे पहले स्किन की ग्रूमिंग करती हैं? देखिए, स्किन टोन करती हैं, और अगर आप स्किन को अच्छे से टोन करते हैं तो आपकी स्किन ब्यूटीफुल लगती है। जैसे आई मेकअप करते समय आंखों पर फाउंडेशन लगाएं, इससे आंखें खूबसूरत दिखेंगी। लिप के मेकअप के लिए लिपस्टिक लगाने से पहले लिप पे बेस लगाएं, फिर लाइनर लगाकर शेड को फिल करें। उसके बाद आप शाइनर या लिप ग्लॉस लगा सकते हैं, इससे आपकी लिपस्टिक रात तक चलेगी, उतरेगी नहीं। फाउंडेशन हमेशा स्किन टोन से एक टोन वाइट लेना चाहिए, तो इस पार्ट पर आपको ट्राई कर देखना चाहिए। आईब्रोज का पूरा मेकअप, आईब्रोज का जो मेकअप है वो पूरा मेकअप होने के बाद करना चाहिए। अपने आईलैशेस पर ट्रांसपेरेंट मस्कारा लगाकर आंखें अट्रैक्टिव दिखती हैं। अच्छा, जब आप कुछ स्लीवलेस पहने तो हाथों पर भी फाउंडेशन लगा सकते हैं। साथ ही साथ ट्रांसल्यूसेंट पाउडर फाउंडेशन के बाद पूरे फेस पर लगाएं, इससे मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा, धूप में भी नहीं निकलेगा। मेकअप से पहले फेस पर आप बर्फ लगा सकते हैं, इससे मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है। और एक बात बताती हूँ, मेकअप करते समय बॉडी के हर हिस्से पर ध्यान दें, गंदे हाथ पैर आपकी सुंदरता को खराब करेंगे। सो व्हेयरएवर इट इज नीडेड, गिव अटेंशन टू योर बॉडी। मेकअप चेहरे की बनावट और रंग को ध्यान में रखते हुए ही करें। जब आप मेकअप करें तो ड्रेस के कलर का डिजाइन का तालमेल होना चाहिए। मेकअप और ज्वेलरी का तालमेल होना भी जरूरी है। आंखों पर और लिप्स पर मेकअप पर ज्यादा ध्यान दीजिए, दीज आर द टू मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट्स। अपनी ड्रेस से मैच करते हुए आप सॉफ्टर शेड की लिपस्टिक लगाएं, सेम शेड कभी भी नहीं लगाएं। और जब आप मेकअप करें तो ध्यान रखिए जो बेसिक थंब रूल है, या हम आंख को हाईलाइट करेंगे या हम लिप्स को हाईलाइट करेंगे, हम दोनों को हाईलाइट नहीं करेंगे।